बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ राइज एंड शाइन स्कूल, क्लास 10th। दिस इज योर डे 3 वीक 7 इंग्लिश लेसन एंड आई एम योर टीचर जवीरिया कमल। बेटा इंशाल्लाह टुडे वी विल रीड आर यूनिट 10। इट इज़ ऑल्सो अ पोएम। द टाइटल ऑफ द पोएम इज ब्यूटिफुल हैंड्स एंड इट इज़ ऑन पेज नंबर 36 एंड 37 इन योर टेक्स्ट बुक्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स यानी कि आप सीखेंगे क्या आफ्टर दिस लेसन। यू विल लर्न मीनिंग्स ऑफ सम न्यू वर्ड्स एंड प्लस यू विल बी एबल टू एक्सट्रैक्ट द मेन थीम ऑफ द पोएम। ओके, पोएम रीड करने से पहले जो इंट्रोडक्शन है पोइट का उसको रीड कर लेते हैं। ब्यूटीफुल, आपको पता है ब्यूटीफुल खूबसूरत को कहते हैं और हैंड्स हाथ को, ठीक है, तो खूबसूरत हाथ। दिस पोएम इज रिटन बाय एलन एम एच गेट्स 1835-1920। ये एलन एम एच गेट्स ने नज़म लिखी है। शी वॉज बॉर्न इन टोरेंगटन कनेक्टिकट USA, ठीक है। शी रॉट रिलीजियस सॉन्ग्स हिम्स। प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज हिम्स, एन एज साइलेंट हेयर बेटा, ठीक है। ये एन जो है ये साइलेंट होगा यहाँ पे, इसे पढ़ेंगे हिम्स। और हिम्स जो है वो हम रिलीजियस सॉन्ग्स को कहते हैं। आपने देख रहे होंगे जैसे हमारे यहाँ रिलीजियस सॉन्ग्स को हम जैसे नातें होती हैं या हम होती है, तो इस तरह क्रिश्चियंस जो हैं वो अपने रिलीजियस सॉन्ग्स को हिम्स कहते हैं, ठीक है। लाइक द होम ऑफ द सोल एंड इटर्निटी फॉर वेल नोन मैगजीन्स, ठीक है। उन्होंने अपने ये रिलीजियस सॉन्ग्स थे जो कि उन्होंने जाने पहचाने मैगजीन्स के लिए लिखे। कलेक्शंस ऑफ हर पोएम्स वर पब्लिश्ड इन 1897 एंड 1910। उनकी जो ये पोएम्स का कलेक्शन है वो 1897 और 1910 में पब्लिश हुआ था या शाया हुआ था। ओके बेटा, बिफोर रीडिंग द पोएम कुछ वर्ड्स के मीनिंग आपकी बुक में मौजूद हैं, उनको देख लेते हैं। बहुत सारे न्यू वर्ड्स हैं इसमें, वो मैं आपको साथ साथ बता दूंगी। ये जो बुक पे लिखे हुए हैं, पहले हम ये पढ़ लेते हैं। पाम्स ऑफ विक्ट्री, निशान फतह, ठीक है, यानी कि फतह का निशान, जीत का निशान लिखा हुआ। दीज वर गिवन टू अ सोल्जर और एन एथलीट हु वॉज विक्टोरियस, यानी कि जो फतेह होता है कोई फौजी या फिर एथलीट जो है उसको ये निशान जो है वो दिया जाता है। क्रिस्टल का मतलब ट्रांसपेरेंट, शफाफ, क्लियरर, साफ को कहते हैं, ठीक है। क्लास्प मीन्स होल्ड इन हैंड, किसी चीज को हाथ में पकड़ना। ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोयम। लिखा हुआ सच ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल हैंड्स, वो कह रहे हैं इतने खूबसूरत खूबसूरत हाथ। दे आर नीदर वाइट नॉर स्मॉल, दे आर, यहाँ पे ये देखें एपोस्ट्रॉफी लगी हुई है, इट मीन्स कि ये दे आर की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। दे आर नीदर वाइट नॉर स्मॉल, वो कह रहे हैं ना ही वो सफेद हैं, ठीक है, और ना ही छोटे। एंड यू, और तुम, आई नो, मैं जानती हूँ, वुड स्केर्सली थिंक, मुश्किल से इस चीज को सोचोगे, दैट दे वर फेयर एट ऑल, कि वो बहुत हसीन थे। I have looked on hands whose form and hue, वो कह रहे कि मैंने इन हाथों को, ये I've जो है is a short form of I have, ठीक है। I have looked on hands, मैंने उन हाथों को देखा है whose form, जिनकी साख्त, ठीक है, यानी कि उसकी शक्ल, and hue और रंग, ठीक है। Hue जो है वो हम रंग को कहते हैं। a sculptor's dream might be, स्कल्प्टर जो है बेटे वो हम मुजस्मा सास को कहते हैं, मुजस्मा बनाने को, मुजस्मा बनाने वाले को, ठीक है। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि मैंने उन हाथों को देखा है जिनकी शक्ल और साख्त एक मुजस्मा साज का जो है वो ख्वाब हो सकते हैं, ठीक है। येट आर दीज एजेड रिंकल्ड हैंड्स, कह रहे हैं लेकिन ये एजेड यानी कि उम्र रसीदा, जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है, रिंकल्ड यानी कि झुरियों वाले हाथ मोस्ट ब्यूटीफुल टू मी, लेकिन ये मेरे लिए जो है वो इंतहाई खूबसूरत हैं। एक्चुअली यहाँ पे जिन हैंड्स की बात हो रही है वो मदर्स हैंड की बात हो रही है, माँ के हाथों की बात हो रही है, ठीक है। तो शायरा जो है वो यहाँ पे ये बात कर रही है कि
पहले स्टेंजा में देखे, उन्होंने पहले यहाँ पे बात की कि वे जो उनकी माँ के, अपने माँ के हाथों की बात कर रही हैं, कि ना ही वो छोटे हैं और ना ही खूबसूरत हैं। छोटे और खूबसूरत हाथ जो हैं वो खूबसूरती की अलामत छोटे और सफ़ेद हाथ जो हैं वो खूबसूरती की अलामत समझे जाते हैं, कि मतलब उन्हें खूबसूरत हाथों में काउंट किया जाता है। वो कह रही है कि हालांकि मेरी माँ के हाथ ना ही छोटे हैं और ना ही सफ़ेद हैं, लेकिन जो है वो मेरे लिए जो है वो सबसे हसीन है। और फिर यहाँ पे वो ये कह रही हैं कि मैंने ऐसे हाथ देखे हैं कि जिनकी साख्त और जिनका रंग जो है वो किसी मुजस्मा साज का ख्वाब हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए जो है वो अपनी जो उम्र रसीदा ये जो हाथ हैं और झुरियों भरे, मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। वो अपनी मदर के हाथों की बात कर रही हैं। ओके, सच ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल हैंड्स, इतने खूबसूरत खूबसूरत हाथ। दो हार्ट वर वेयरी एंड सैड। वेयरी का मतलब होता है बोझल होना, ठीक है, और सैड हम उदास को कहते हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि अगरचे दिल जो है वो बोझल और गमगीन है, दीज पेशेंट हैंड्स केप्ट टॉयलिंग ऑन। पेशेंट का मतलब होता है सब्र रखने वाला, ठीक है, साबिर को कहते हैं। कह रहे हैं दीज पेशेंट हैंड्स, ये साबिर हाथ जो हैं केप्ट टॉयलिंग ऑन, मुशक्कत करते रहते हैं या मुसीबत को बर्दाश्त करते रहते हैं। दैट द चिल्ड्रन माइट बी ग्लैड, ताकि बच्चे जो हैं वो ग्लैड रह सकें, खुश रह सकें, ठीक है। आई ऑलमोस्ट वीप, वीप का मतलब होता है रोना। वो कह रहे हैं मैं रो ही पड़ती हूँ, व्हेन लुकिंग बैक, जब मैं माजी को देखती हूँ या पीछे देखती हूँ, टू चाइल्डहुड्स डिस्टेंट डे। चाइल्डहुड बेटा बचपन को कहते हैं, बचपन का एक बहुत पहले गुजरा हुआ दिन। आई थिंक हाउ दीज हैंड रेस्टेड नॉट, मैं कह रहे मैं सोचती हूँ कि किस तरह ये हाथ जो थे वो आराम नहीं करते थे। वेन माइन वर एट देयर प्ले, जब मेरे जो थे वो खेल में मसरूफ होते थे। यानी कि यहाँ पे शायरा ये कह रही हैं, इस स्टैंजा में ये बात कर रही हैं कि शायरा अपने माजी को याद करते हुए, अपना बचपन याद करते हुए कहती हैं कि जो मेरी हमारी माँओं के जो हाथ होते हैं वो इतने साबिर होते हैं कि वो हर वक्त मुशक्कत बर्दाश्त करते हैं ताकि उनके बच्चे खुश रह सकें। और दूसरी बात ये कि उसको ये बात भी याद आती है कि जब बचपन का एक दिन याद आ रहा है कि वो उनकी माँ जो है वो अपना हर आराम नहीं किया करती थी जब वो खेल कूद रही होती थी, ठीक है। सच ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल हैंड्स, दे आर ग्रोइंग फीबल नाउ। मीनिंग ऑफ फीबल इज वीक। वो कह रहे हैं इतने खूबसूरत खूबसूरत हाथ, ये अब जो हैं अब वो कमज़ोर होते जा रहे हैं। एंड टाइम एंड पेन हैव लेफ्ट देयर मार्क। वो कह रहे हैं कि और वक्त ने और मसाइब ने या तकालीफ ने या दर्दों ने छोड़ दिए हैं देयर मार्क, अपने निशानात, ऑन हैंड, हाथ पर, एंड हार्ट, और दिल पर, एंड ब्रो, और पेशानी पर। लास्ट लास्ट द नियरिंग टाइम। वो कह रहे हैं अफसोस अफसोस, उम्र का आखिरी वक्त, ठीक है, यानी कि वो वक्त आ रहा है, करीब आ रहा है। एंड द सैड सैड डे टू मी, और मेरे लिए वो अफसुरदा या अफसुरदा तरीन दिन होगा। वेन नीथ द डेजीज, जब डेजीज के नीचे, डेजी एक काइंड ऑफ फ्लावर है, वो कह रहे हैं जब डेजीज या उन फूलों के नीचे, आउट ऑफ साइट, नज़रों से ओझल, दीज हैंड्स मस्ट फोल्डेड बी, इन हाथों को ज़रूर तय हो जाना है, ठीक है, फोल्ड हो जाना है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि इनका शायरा से मुराद, शायरा की यहाँ पे इस स्टैंजा में ये मुराद है कि अब चूंकि शायरा जो है वो यंग हैं और उनकी मदर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बूढ़ी हो चुकी हैं, अब शायरा को इस चीज़ का एहसास सता रहा है कि उनकी मदर जो है वो चूंकि अब कमज़ोर हो गई हैं और उनके ये जो उनकी बढ़ती हुई उम्र के आसार हैं वो उनके हाथों पर और उनकी पेशानी पर नज़र आते हैं, यानी कि रिंकल्स। और अब उनको ये एहसास हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता वो वक्त करीब आ रहा है जो कि उनके लिए बहुत अफसोस का दिन होगा, या जब उनकी अम्मी या उनकी मदर जो हैं वो फूलों के नीचे नज़रों से ओझल हो जाएंगी और उनके हाथ तय हो जाएंगे। ये सिचुएशन कब होती है, जब इंसान मर जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली वो इस चीज़ को सोच रही हैं कि जब उनकी मदर, क्रिश्चियंस का ये रिवाज है कि वो अपने जो डेड वंस होते हैं उनको वो उनके हाथ फोल्ड करते हैं, ठीक है। तो अब
वो ये बात कर रही हैं कि वो अपनी वालदा के बारे में ये चीज़ सोच रही हैं कि उनके लिए वो बड़ा सख्त या अफसोस का दिन होगा जब उनकी वालदा को भी इस सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा। बट ओह बियॉन्ड द शेडोई लैंड्स, वो कह रहे हैं लेकिन ऑफ शेडोई का मतलब जहाँ पे तारीकी हो, ठीक है, वो कह रहे हैं तारीकी खित्तों से परे, वेयर ऑल इज़ ब्राइट एंड फेयर, ठीक है, जहाँ पे सब कुछ रोशन है और हसीन है। आई नो फुल वेल दीज डियर ओल्ड हैंड्स, वो कह रही है मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ये प्यारे बूढ़े हाथ विल पाम्स ऑफ विक्ट्री बियर, निशाने फतह को उठाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बियॉन्ड द शेडोई लैंड्स, यानी कि हम तो डेड बॉडीज़ को जो है वो कब्र में दफन कर देते हैं, लेकिन क्या होता है उससे आगे जब इनका हिसाब किताब शुरू होता है तो हर एक को आमाल के मुताबिक जन्नत या दोजख जो है वो मिल जाती है। तो अब ये बात कर रही हैं, ये शायरा जो है वो एक्सपेक्ट कर रही हैं कि उनकी भी वालदा जब है वो इन तारीख खित्तों से परे आगे, वो उम्मीद कर रही हैं कि वो हेवन में जाएंगी, जन्नत में जाएंगी उनकी वालदा, तो वो ये बात कर रही हैं कि वहाँ पे हर चीज़ रोशन और हसीन है, और वहाँ पे वो कह रही हैं कि मेरी वालदा जो हैं वो निशाने फतह को उठाएंगी। व्हेन क्रिस्टल स्ट्रीम्स, क्रिस्टल का मतलब साफ शफाफ, स्ट्रीम्स जो है बेटे नदियाँ को नदी को कहते हैं, थ्रू एंडलेस ईयर्स, वो कह रहे हैं ना ख़त्म होने वाले अरसे से फ्लो ओवर गोल्डन सैंड्स, सुनहरी रेत पर बह रही होंगी। ये जन्नत की बात कर रही हैं कि वहाँ पे जो हैं वो साफ शफाफ नदियाँ वो हमेशा से वो जो है वो बह रही हैं। एंड वेयर द ओल्ड आर यंग अगैन, जहाँ पे बूढ़े जो हैं वो फिर से जवान हो जाएंगे। आई क्लास्प माई मदर्स हैंड्स, क्लास्प का मतलब क्या था, टू होल्ड, पकड़ लेना, ठीक है, वो कह रही हैं कि मैं अपनी वालदा के हाथों को अपने हाथों में पकड़ लूँगी। ठीक है, दिस वॉज द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। बेटा ये आपकी बुक में कुछ ईडियम्स हैं, जब ये पोएम आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको उस लास्ट में ये पेज पे आपको ईडियम नज़र आएगा। विद अ हाई हैंड ईडियम है, और इसका मीनिंग है डिस रिगार्डिंग द फीलिंग्स ऑफ अदर, यानी कि दूसरों के जज्बात का ख्याल ना रखना या उनको अहमियत ना देना। ठीक है, लिखा हुआ ही सेटल्ड मैटर्स विद अ हाई हैंड, उसने मामलात जो थे वो दूसरों के जज्बात का ख्याल रखे बगैर हल किए, एंड इग्नोर्ड, और नज़रअंदाज कर दिया द रिक्वेस्ट ऑफ ऑल कंसर्न्ड, और जितने भी मुतल्लिका अफराद थे उनकी दरख्वास्त को नज़रअंदाज कर दिया। अच्छा, ये विद हार्ट एंड सोल जो है ये आपको अनेशन स्ट्रेंथ के नीचे ये नज़र आएगा। विद हार्ट एंड सोल का मतलब होता है दिलो जान से, यानी कि पूरी कोशिश के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी दिलचस्पी के साथ, इसका मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल वन ऑल वंस एनर्जीज एंड इंटरेस्ट, यानी कि किसी शख्स की तमाम तर एनर्जीज तवानाइयों के साथ और तमाम तर दिलचस्पी के साथ। एग्जाम्पल जो लिखी हुई है, इट्स नो यूज़ हैविंग एन एम्प्लॉय हु डज नॉट पुट हार्ट एंड सोल इन हिज वर्क, वो कह रहे हैं कि ऐसे एम्प्लॉय का कोई फ़ायदा नहीं जो कि काम में अपना दिल और जान ना लगाता हो। ये आपने अपनी कॉपी पर नोट करने हैं। The assignment, beta. You have to leave this unit by yourself and make title pane and write word meanings and other exercises in notebook. यानी कि ये सारा जो मैं आपके साथ काम शेयर करूंगी, आपने अपने नोटबुक पे कॉपी करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।